हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं वो दोस्तों पशुओं के अंदर अगर आरओपी की दिक्कत होती है, पशुओं के अंदर रिटेशन ऑफ प्लेसेंटा या जेर अटकना जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, उसकी दिक्कत होती है, उसके लिए दोस्तों आज हम एक दवा का रिव्यू करेंगे। पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आरओपी की क्या समस्या होती है, इसका क्या कारण होता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, गाय और भैंसों के अंदर आमतौर पर जो पशु ब्याहता है उस 8 से लेकर 10 घंटे तक जेर पड़ जाती है दोस्तों। लेकिन कई बार क्या है कि जो पशु के अंदर प्लेसेंटा होता है, जेर होती है, वो बीच में अटक जाती है। दोस्तों, इसके कई कारण होते हैं। इसके दोस्तों जो मुख्य रूप से कारण देखा गया है वो होता है, जो पशु का यूट्रस होता है वो अच्छे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण जो जेर है वो बीच में अटक जाती है, या दोस्तों पशुओं के बच्चेदानी के अंदर प्लिसेंटा के साथ साथ प्लिसेंटोम होते हैं, जो कि दोस्तों 100 से 125 तक होते हैं, जिसके साथ में दोस्तों जो बच्चा होता है वो माँ के पेट के अंदर अपनी खुराक लेता है। दोस्तों, कई बार उन प्लिसेंटोम के अंदर सूजन आ जाती है, या दोस्तों उसके अंदर जो फ्लूड है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, जिसके कारण दोस्तों वो डिटैच नहीं हो पाते, अलग नहीं हो पाते, जिसके कारण दोस्तों जो जेर है वो बीच में अटक जाती है। दोस्तों, जब जेर है वो आधी बाहर रह जाती है और आधी अंदर रह जाती है, तो दोस्तों वो इन्फेक्शन का कारण बन जाती है दोस्तों, क्योंकि जो जेहर बाहर लटकी हुई है, जो प्लेसेंटा बाहर लटका हुआ है, उसके ऊपर पशु पेशाब भी कर देता है, उसके ऊपर मिट्टी, डस्ट पार्टिकल और साथ में दोस्तों बैक्टीरिया लग जाता है, जिसके कारण दोस्तों पशु के अंदर इन्फेक्शन फैलने के चांस हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों पशु को मेटाइटिस, पायोमेट्रा और एंडोमेट्राइटिस की जो बीमारी है उसका होने का डर रहता है। तो दोस्तों, इसके लिए आज हम रिव्यू करेंगे रोपीटास बोलस की। दोस्तों, जो रोपीटास बोलस आती है वो इंटास कंपनी की आती है। ये दोस्तों एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है, जिसके अंदर मायफल, हल्दी, मेंथोल, पत्थ और टंकर क्षार डाला गया है। और दोस्तों, ये जो दवा है वो एक होम्योपैथिक दवा जिसका नाम होता है गोसीपियम हर्बेकम के अंदर तैयार की होती है। दोस्तों, ये जो दवा होती है वो मुख्य रूप से पशु के अंदर एंटीसेप्टिक, अनाल्जेसिक और सेरेटिव इफेक्ट देती है। अनाल्जेसिक होने के कारण दोस्तों अगर पशु जोर मार रहा है तो दोस्तों इससे जो पशु की एंटीसेप्टिक होने के कारण दोस्तों अगर पशु के अंदर किसी तरह की कोई बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के चांस बनते हैं तो दोस्तों ये उसको कंट्रोल कर लेगी। इसके साथ साथ दोस्तों अनाल्जेसिक होने के कारण अगर पशु दर्द महसूस कर रहा है तो उसके दर्द के अंदर रुकावट होगी। दोस्तों, इस दवा का प्रयोग करने के लिए इसके पैकेट के अंदर 4 बोलस होती हैं और 4 बोलस को स्लीव्स की मदद से पशु के बच्चेदानी के अंदर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, ये जो दवा है 1 घंटे के अंदर अंदर अपना असर दिखा देती है। 1 घंटे के अंदर दोस्तों ये जो दवा होती है पशु के बच्चेदानी के अंदर झाग पैदा कर देती है और साथ में दोस्तों जो चिकनाई होती है उसको ख़त्म कर देती है। इसके बाद अगर दोस्तों ज़्यादातर तो देखने में आया है कि जो पशु की जेर है वो अपने आप ही पड़ जाती है, लेकिन दोस्तों कई बार अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर भी इसको अगर मैनुअली निकालता है, अगर हाथ से निकालते हैं तो दोस्तों इससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। डॉक्टर को भी जो प्लेसेंटा होता है, जेर होती है, निकालने में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता और काफ़ी इसका ईजीली रिमूवल हो जाता है। दोस्तों, जो पशु की अगर जेर इस तरह से बीच में अटक जाती है तो इसके लिए मार्केट के अंदर काफ़ी तरह के यूटेटाइन टोनिक भी आते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन भी आते हैं और होम्योपैथी दवाइयाँ भी आती है। दोस्तों, चाहे तो हम इसके लिए मैनुअल डिटैचमेंट भी करा सकते हैं, जिसके अंदर पशुओं के बच्चेदानी के अंदर हाथ मार के उसकी सफाई करवाई जा सकती है। दोस्तों, हाथ मार के सफाई करवाने से कुछ नुकसान होते हैं, जैसे कि दोस्तों आप देखते होंगे पशु अपने हीट के अंदर जल्दी आ नहीं पाता है, पशु का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, और साथ में दोस्तों कि जो डिटैचमेंट है वो पूरी तरह हो नहीं पाती, उसके बाद ही हमें काफ़ी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। साथ में दोस्तों पशुओं के अंदर हिमोरेज भी हो जाता है कई बार, जिसके अंदर पशुओं को जो पेशाब के अंदर और जो पशु जैसे जैसे अपने बच्चेदानी की सफाई होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खून भी आना स्टार्ट हो जाता है, और इसके साथ साथ दोस्तों पशु के बच्चेदानी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आज हम इंटास कंपनी का एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है रोपीटास, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। रोपीटास की पैकिंग आती है वो दोस्तों 4 बोलस की पैकिंग आती है और इसके अंदर दोस्तों स्लीव साथ में दिए होते हैं, जिसके एक पेयर स्लीव्स का दिया होता है, जिससे कि दोस्तों पशु के बच्चेदानी के अंदर वो जो दवा है वो रखी जा सकती है। ये दोस्तों आपने दवा रखने के बाद 1 घंटे तक पूरा वेट करना है, 1 घंटे में ये जो दवा है बबल्स बना के अपना पूरा असर दिखा देती है।
इसके बाद दोस्तों अगर डॉक्टर चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार बच्चेदानी के अंदर रखने वाली जो दवा आती है फ्यूरेक्स जिसको कहते हैं, तो वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फ्यूरेक्स जो बोलस होती है वो जेल निकालने के बाद किया जाता है। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको दोस्तों किसी तरह की कोई भी मेडिसिन पे रिव्यू चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।